सबसे पहले तो ज्वाइन करने का शुक्रिया सब ने जिन्होंने ज्वाइन किया अपने वीकेंड से टाइम निकाला यूसुफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की आल um, दो एक सेशन uh, uh, मैंने किया था बैक इन अक्टूबर अबाउट सीमेंट्स लेकिन आई हैड बीन फीलिंग दर्ज टू डू इट अगेन बिकॉज सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और uh, आपकी एक रिपोर्ट भी मैंने देखी थी एंड आई आई फेल्ट इट इज गुड टाइम टू री विजिट यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन यूसुफ फारूक साहब हैं डायरेक्टर वे द टॉप लाइन सिक्योरिटीज और यूसुफ भाई इफ़ यू वुड लाइक टू एड फ्यू वर्ड्स टू योर प्रोफाइल अगर थोड़ा सा अपने बारे में बता Sir, so uh, मैंने करियर स्टार्ट किया था एज एन एनलिस्ट दो हजार बारह में तो मैं प्रोविडेंट पैसे मैनेज करती है वहां पे फंड मैनेजर रह चुका हूं हूँ फोकस ऑन स्मॉल और मैं बीच में कुछ वेंचर्स वगैरह भी स्टार्ट कर चुका हूं। अब इस वक्त मैं डायरेक्टर रिसर्च भी सिक्योरिटीज एंड कुछ एक अपना वेंचर भी कर रहा हूँ <coughs> मैं कवर कर रहा दो हजार बारह से तो आई एम होपिंग फॉर फ्रूटफुल डिस्कशन जो सबके काम आए uh, करते वक्त, में. Uh, 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 भाई आपका मैंने कुछ uh, भी पढ़े थे एक सेशन कर लेंगे अबाउट अबाउट द चैलेंजेस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेस कर रहा है पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस साइड में कोई इतना फोकस नहीं होता जो कि एक्सपोर्ट्स um, में डॉलर लाने में हेल्प कर सकता है बट लेट्स लेट्स डू अ सेशन ऑन दैट टॉपिक लेटर अच्छा अगर हमेंट से स्टार्ट करें तो Uh, आप इस सेक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू uh, दे दें कि वेयर डज इट स्टैंड अमंग अदर पीएस सेक्टर्स देखें सीमेंट अगर हम एज अ टोटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप देखें uh, तो सीमेंट की समझ लें कोई 400 बिलियन की मार्केट कैप है और अगर पूरे पीएसएक्स को देखें तो वो कोई 6,290 बिलियन की मार्केट कैप है तो सीमेंट बनता है कुछ छः सवा छः टोटल इंडेक्स का टोटल पीएसएक्स का मार्केट कैप तो इस वक्त तो ये सेक्टर छोटा लग रहा है लेकिन ये सबको याद रखना चाहिए कि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है जिसका मतलब ये है कि जिस वक्त हालात बेहतर होते हैं इकोनॉमी के और सीमेंट के तो उस वक्त ये स्टॉक्स बहुत ऊपर होते हैं और जिस वक्त एक डाउन टर्न होता है तो ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं देखें पोर्टफोलियो में किसी भी पोर्टफोलियो में जाहिर है एक जगह बनती है इस सेक्टर की एक मेजर सेक्टर है कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है स्टेबल रिलेटिवली डिमांड है और ग्रोइंग डिमांड है अगर आप पिछले तीस साल देखें तो रिलेटिवली स्टेबल और ग्रोइंग डिमांड है और ये कंपनीज काफ़ी कैश भी जनरेट करती हैं अच्छे हालात में तो अगर आप नोटिस करें करें कि ये स्टॉक्स में कोई तीन डिस्टिंक्ट साइकल्स रही हैं अगर हम आ, अर्ली नाइंटीज से देखें तो आप अगर देखेंगे कि नाइंटी सिक्स नाइनटी नाइनटी सिक्स नाइनटी सेवन में एक पीक लगी थी इस सेक्टर में उसके बाद एक पीक इस सेक्टर में 2006 2007 2006 में लगी थी और फिर एक पीक 2017 में लगी थी और अभी हम इस वक्त दोबारा सेक्टर इस वक्त एक डाउन टर्न में है तो जिस वक्त ये स्टॉक सस्ते होते हैं जैसे अभी वाला टाइम है तो हमारे ख्याल से एक कुछ स्पेस बनती है इस सेक्टर की किसी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में Uh, जाहिर है ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नहीं होते ये होते हैं तो तो पोर्टफोलियो के गोल पे डिपेंड करता है कि क्या परसेंटेज सीमेंट्स होनी चाहिए बट एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो तो पोर्टफोलियो में जनरली फंड मैनेजर्स ने सीमेंट्स की जगह बनाई हुई होती है सही सही थैंक यू थैंक यू यूसा भाई अच्छा बिफोर गोइंग इन टू डिटेल अगर पूरी एक जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में ब्रीफली आ, आ, बता दें कि अभी राइट right नाउ उनके क्या चैलेंजेस हैं जो आप लॉन्ग टर्म और मिड टर्म टाइम होराइज़न पे देख रहे हैं ए, एक इंडस्ट्री के थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए पंद्रह सोलह कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में और अगर आप डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसी एक कंपनी नहीं है जिसका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा बढ़ा आप ये नहीं देखेंगे कि एक कंपनी का तीस चालीस परसेंट मार्केट शेयर है और बाकी सारी छोटी छोटी हैं तो काफ़ी स्कैटर्ड कैपेसिटी है जिसका मतलब ये है कि कंपेरेटिव फोर्सेस और उस वक्त जैसे हालात हैं उनसे पूरा सेक्टर ही एक साथ ही अफेक्ट होता है अगर इस वक्त सेक्टर के चैलेंजेस देखें तो एक तो वही चैलेंज है जो इस वक्त पूरी इकोनॉमी फेस कर रही है और वो है कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ना होने की वजह से डिमांड नहीं है और डिमांड गिर रही है तो वो जाहिर है एक चैलेंज है बट सीमेंट प्लेयर्स ने डिमांड वाले चैलेंज को भी और राइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी के उसको भी आ, एक प्राइस प्राइसेस बढ़ा बढ़ा के जो है वो ओवरकम किया है और देखें इस वक्त एक चैलेंज डिमांड है जो कुछ हद तक काफी हद तक सीमेंट सेक्टर ओवरकम कर लेता है प्राइसेस बढ़ा के फिर कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मटेरियल शॉर्टेजेस का इशू रिसेंटली आया है जब से ये जुलाई से इम्पोर्ट बैन स्टार्ट हुए हैं तो देखें एक तो ये चीज हो रही है कि अगर किसी को इस वक्त कोई नई मशीनरी चाहिए तो उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं एल खोलने में फिर ये जो सीमेंट कंपनीज के प्रोडक्ट को पैक करने के लिए बैग बनता है इसके लिए ये जो पीपी बैग्स -पी होते हैं इन बैग्स का मटेरियल कुछ टाइम से कुछ शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से भी जो है वो आ, इन सीमेंट कंपनीज को डिस्पैचेस करने में इश्यूज आ रहे हैं तो अगर आप अभी अप्रैल के भी नंबर्स देखेंगे Uh, जिस वक्त वो रिलीज होंगे तो आप देखेंगे कि को कोई इक्कीस परसेंट आपको मोस्ट लाइकली ईयर ऑन ईयर अप्रैल में डिक्लाइन नजर आएगा और उसकी वजह एक ये पीपी बैग्स वाली है एक स्टील की अवेलेबिलिटी ना होना है और फिर जो है जाहिर छुट्टियां ईद की थी और रमजान था और अगर आप वैसे तो जनरली देखेंगे कि अप्रैल जनरली सीमेंट कंपनीज का स्लो होता है क्योंकि उसमें गंदम की कटाई होती है और डिमांड उसके बाद बढ़ना शुरू होती है तो एक मेजर इशू इस वक्त डिमांड है और एक डिमांड है और दूसरा जो है वो इस वक्त सीमेंट कंपनीज रिचर्ड्स बे से कोल मंगवा लेती साउथ अफ्रीका से लेकिन क्योंकि एलसी वगैरह नहीं खुल पा रही तो वो स्मूथली नहीं हो पा रहा तो ये मेजर चैलेंजेस हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चैलेंज देखें अब सीमेंट सेक्टर के लिए ये रहेगा कि सीमेंट सेक्टर शायद अब उस तरीके से कैपेसिटी ग्रो ना कर सके जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर ने पिछले तीस साल में या बीस साल में कैपेसिटी ग्रो की है सीमेंट so, सेक्टर की कैपेसिटी अगर आप देखें तो 1990 में सीमेंट सेक्टर की कैपेसिटी थी कोई आ, समझ लें एट नाइन मिलियन टन इस वक्त सीमेंट सेक्टर की कैपेसिटी तकरीबन मिलियन टन है तो सेक्टर की कैपेसिटी ऑलमोस्ट टाइम्स बढ़ी है ओवर द लास्ट टेन ईयर बहुत स्पीड से ग्रो हो रहे थे और वो इसलिए हो सका है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो है वो पैसे बोरो कर रही थी और पी स्पेंडिंग कर रही थी और अब क्योंकि मुल्क ने बहुत ज्यादा डेट एक्यूमुलेट कर लिया है तो हम पाकिस्तान शायद अब उस तरह के डेफिसिट्स ना Uh, उस तरह के डेफिसिट ना रन कर सके और शायद सीमेंट डिमांड उस स्पीड से ना बढ़े जिस स्पीड से बढ़ती रही है लेकिन फिर भी देखें पॉपुलेशन हर साल दो तीन परसेंट से ग्रो कर रही है इकोनॉमी uh, ठीक हो ही जाती है अल्टीमेटली जब चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं और पॉलिटिक्स स्टेबलाइज होती है तो इकॉनमी ग्रो कर ही जाएगी तीन परसेंट दो से तीन परसेंट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो सीमेंट डिमांड तो बढ़ेगी बट शायद उस स्पेस पे ना बढ़े जिस स्पेस पे पिछले तीस साल से बढ़ती रही है सही थैंक यू यूसुफ भाई अगर हम थोड़ा सा uh, जो इसके मेन प्लेयर्स हैं उनकी बात करें तो आपके हिसाब से कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर्स uh, हैं इस सेक्टर uh, में और वो किस तरह एक दूसरे से डिफर करते हैं टर्म्स ऑफ साइज जोग्राफी और बिजनेस स्ट्रेटेजी देखें दो uh, दो मेजर रीजन मुल्क में जिसमें ये सीमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं एक नॉर्थ रीजन है और एक साउथ रीजन है दोनों की डायनामिक्स थोड़ी फर्क है अब जैसे अगर आप अटक सीमेंट देखेंगे तो अटक सीमेंट सिर्फ सेमें साउथ में है अगर आप कुट सीमेंट या पाइनियर या मेपल या गरीबवाल या चिराट देखेंगे तो ये कंपनीज वो हैं जो सिर्फ नॉर्थ जोन में फिर कुछ कंपनीज अब हो गई हैं जो दोनों रीजन में है जैसे लकी सीमेंट जो है वो नॉर्थ जोन में भी है साउथ जोन में भी है डीजी खान सीमेंट भी साउथ जोन में भी है और नॉर्थ जोन में भी है अब अगर आप समझने के 1990 से 2016-17 तक देखेंगे तो साउथ जोन ने बेहतर परफॉर्म किया है और उसकी वजह यह रही है कि जिस वक्त भी इकोनॉमिक डाउन टर्न आता था या कोई प्राइस वॉर होती थी तो वो प्राइस वॉर साउथ जोन को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती थी और साउथ जोन को वो इतना ज्यादा इसलिए नहीं अफेक्ट करती थी क्योंकि साउथ जोन एक्सपोर्ट कर पाता था और नॉर्थ जोन से उतनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाती क्योंकि नॉर्थ जोन जो है वो लैंड लॉक्ड है और अफगानिस्तान और इंडिया ही दो रीजन रहते हैं जहां पे वो एक्सपोर्ट हो सकती है और वहां कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी अफगानिस्तान के हालात की वजह से भी नहीं एक्सपोर्ट हो पाती थी साउथ जोन से क्योंकि सारी कैपेसिटी काफी कैपेसिटी का हिस्सा बन के और साउथ जोन से निकल जाता था तो इसलिए साउथ जोन में प्राइस वॉर्स नहीं होती थी जनरली सेक्टर का एक मेजर चैलेंज रहा है कि सेक्टर में प्राइस वॉर्स हो जाती हैं और तीन मेजर प्राइस वॉर्स हैं जो सेक्टर में हुई हैं एक अगर आप देखें तो नाइनटीन नाइनटी में एक प्राइस वॉर हुई है उस वक्त भी पचास से ऊपर कैपेसिटी ऑनलाइन आई थी दूसरी प्राइस वॉर जो हुई थी वो 2006 में हुई थी उस वक्त भी 50 परसेंट से ऊपर कैपेसिटी ऑनलाइन आई थी फिर 2017 में जो है वो 50 परसेंट से ऊपर कैपेसिटी ऑनलाइन आई थी और प्राइस वॉर हो गई थी और देखें प्राइस वॉर सारी कंपनीज बड़ी हो या छोटी हो सबको ही इक्वली अफेक्ट करती है अगर आप पूछेंगे कि मेजर प्लेयर्स जिनकी ज्यादा से ए पी में होती हैं तो वो तीन मेजर कंपनीज हैं एक डीजी खान है लक्की सीमेंट है और बेस्टवे सीमेंट है लेकिन इनको भी सेक्टर के डायनामिक्स उसी तरीके से अफेक्ट करते हैं जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल पाइन सीमेंट को अफेक्ट करते हैं तो जो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स जनरली देखते हैं वो वो देखते हैं जो लिक्विड हों जो सस्ते हों जिनमें कॉपोरेट गवर्नेंस अच्छी हो कॉपोरेट गवर्नेंस इन द सेक्टर है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ओवर द लास्ट टेन फिफ्टीन ईयर और जिन ग्रुप्स को अच्छा नहीं भी कहा जाता था सीमेंट स्पेस में या किसी और स्पेस में उन्होंने भी जो है वो गवर्नेंस पे काम किया है और अब रेगुलर सबकी की एनालिस्ट ब्रीफिंग्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से भी और अब सब स्टॉक से भी जो है वो एनालिस्ट ब्रीफिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मड रख रहे होते हैं सही um, अच्छा जो सीमेंट स्टॉक्स हैं ये सब जानते हैं कि दे आर हैवीली लेवरेज्ड स्टॉक्स जिस तरह पायनियर वगैरह हैं um, और जिस तरह इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं कि uh, शायद अभी और थोड़ा सा बढ़ जाए इंटरेस्ट रेट्स लेकिन बहुत से लोग थे जो वो इसमें बेरिज थे इस सेक्टर में क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं हाईली लेवरेज हैं लेकिन अभी स्टॉक्स तो ईयर टू डेट ऊपर ही जा रहे हैं अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने और एक मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी शायद फेबररी में आपने रिलीज की थी तो आप भी काफ़ी बुलिश थे उस टाइम से तो क्या वजह इसकी आपके बुलिश होने की या स्टॉक्स के ऊपर जाने की ईयर टू डेट देखिए मेरे, मेरे बुलिश होने की देखिए मेरे बुलिश होने की वजह यह थी कि मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है वो ये प्राइस वॉर के रिस्क को ओवर प्ले कर रही है और देखिए मैं अभी जैसे पहले कह रहा था कि तीन दफा पहले प्राइस वॉर्स हुई हैं एक 96 में हुई, है, एक में हुई है एक 2006 में हुई है और एक 2017 में हुई है और तीनों दफा अगर आप देखेंगे तो सेक्टर की कैपेसिटी पचास परसेंट से ज्यादा इंक्रीज हुई है एक या दो साल में उन, उन एक साल में या या दो सालों में इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था इस दफा छोटी कैपेसिटी इंक्रीजेज

एनर्जी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है तो मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज देर एबल टू पास ऑन द इम्पैक्ट उस जैसे कोल प्राइसेस 50 से 300 सौ पे गई एक तो चीज ये हुई कि ये सारे सीमेंट प्लेयर्स एटलीस्ट नॉर्थ जोन में कन्वर्ट हो गए टू तो अफगान कोल एंड लोकल कोल तो कॉस्ट उतनी बड़ी नहीं जितनी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी दूसरी चीज ये हो गई कि इन्होंने प्राइसेस बढ़ा के क्योंकि जाहिर है कोल प्राइस का इंक्रीज सारी सीमेंट कंपनीज को अफेक्ट कर रहा था तो इन्होंने प्राइसेस जाहिर सब ने बढ़ा के और उस इम्पैक्ट को एब्सॉर्ब कर लिया तो देखें बुलिश होने की एक वजह तो ये थी कि देखें ये अगर आप कोई नया सीमेंट प्लांट लगाने के लिए जाते हैं तो वो 80 से 100 डॉलर पर टन का लगता है और अगर आप पिछले 30 साल देखें तो ये कंपनीज एटलीस्ट नॉर्थ जोन में एवरेज 13 से 15 डॉलर पर टन कमाती हैं जिसका मतलब यह है कि जब डॉलर बढ़ जाता है तो ये ज्यादा ही पैसे कमाती है तो अगर आप देखेंगे कि नाइनटी में कोई कंपनी एक टन पे कितने पैसे कमाती थी तो वो अभी भी पर टन डॉलर में उतने ही पैसे कमा रही है रुपीज में बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है क्योंकि डॉलर के रेट में डिफरेंस है तो आप तीन डिस्टिंग साइकिल्स ही देखेंगे आप देखेंगे कि ये कंपनीज बीस पच्चीस डॉलर पर टन कमाना शुरू हो जाती है और फिर जिस वक्त प्राइस वॉर होती है जिस वक्त बहुत ज्यादा कैपेसिटी ऑनलाइन आती है उस वक्त प्राइस वॉर होती है और फिर ये स्टॉक्स भी नीचे आ जाते हैं और मार्जिन एक डॉलर पर टन भी हो जाते हैं इन ईबिटा तो आई थिंक बहुत जरूरी है समझना कि हम साइकिल में कहा हैं देखें हम साइकिल में उस जगह पे हैं जहां पे अर्निंग आना शुरू हो चुकी हैं बट स्टॉक प्राइसेस जो हैं हैं वो अभी भी सस्ती हैं। तो अगर आप पिछले तीस साल देखें जैसे मैं बार बार आ, ये वाली चीज कह रहा हूँ तो आपको सीमेंट स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप पांच से दस डॉलर पर टन के मिलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ अ साइकिल जब सब बैरिश होते हैं एंड देन फिर ये एंड होते हैं कुछ दो डॉलर पर टन पे और नया प्लांट लगता है सौ डॉलर का अस्सी से सौ डॉलर का अस्सी से सौ डॉलर का नया प्लांट लगता है और ये कंपनी पंद्रह डॉलर कमाती है तो आप तो लोगों को या हम जिस तरीके से रेकमेंड करते हैं कि लोगों को इनको एज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें लोगों को समझना चाहिए अच्छा अभी डाउन साइकिल है तो ये दीज आर टाइम्स टू अक्यूमुलेट और मेक स्टॉक्स पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो और फिर जिस वक्त हालात अच्छे होंगे जिस वक्त हमें लग रहा होगा कि दोबारा बहुत ज्यादा कैपेसिटीज ऑनलाइन आ रही हैं तो उस वक्त फिर इन स्टॉक्स को बेचना चाहिए तो देखें एक तो तेजी की वजह जो है वो ये लगती है कि आई थिंक मार्केट ने पिछले चार से में रियलाइज किया है कि कॉस्ट बढ़ने के बावजूद ये कंपनी पास ऑन कर देती है अपने कस्टमर को दूसरी चीज ये है कि देखें अब मे ऑनवर्ड्स होपफुली इन्फ्लेशन वापस नीचे आना शुरू होगी और आई थिंक स्टॉक्स यही देख के खरीदने चाहिए कि अगले साल या दो साल बाद या तीन साल बाद मार्केट क्या सोच रही होगी और और एक्चुअली तो इंट्रेंसिकली क्या जो हम कंपनी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है अगर एक एसेट ऑन एवरेज हर साल तेरह से पंद्रह डॉलर कमा कमाता है एवरेज पिछले बीस तेईस साल में कमाया है और अगर वो आपको अभी पंद्रह से बीस डॉलर का मिल रहा है और वो इसलिए अभी पंद्रह से बीस डॉलर का मिल रहा है क्योंकि अभी हालात खराब है तो इट्स जनरली नॉट अ बैड बैट तो ये जनरली uh, पोर्टफोलियो में इसलिए भी जगह बन जाती है कि इस वक्त ये कंपनी सस्ती हुई हुई है अभी हालात बुरे हैं जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो आ, तो उस वक्त जो है वो ये स्टॉक्स बढ़ जाएंगे और ये और दूसरा एक और चीज ये है कि देखें प्राइसिंग डिसिप्लिन रहा है कैपेसिटी बहुत ज्यादा ऑनलाइन नहीं आई है इस दफा तो इस वजह से हम रेकमेंड कर रहे थे कि सीमेंट कंपनीज को देखना चाहिए सही सही यूसुफ भाई मेरे दोस्त हैं ये सुन भी रहे होंगे शायद मुजम और शाह हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी सीमेंट स्टॉक नहीं लेते जब प्राइस वार स्टार्ट होगी तो देन विल गो फॉर इट

दूसरा एक और चीज भी है कि देखें प्राइस वॉर जनरली उस वक्त हुई है जब सीमेंट अपना सारा डेट उतार चुकी होती है और नए प्लांट्स लगे होते हैं इस दफा वो नहीं हुआ है अगर आप पिछले छह साल देखें तो वो चीज नहीं हुई है तो मेजर तो वजह यह है कि जो कैपेसिटी इंक्रीज है इफ यू इट विद लास्ट साइकल्स इतना बड़ा कैपेसिटी इंक्रीज इस दफा आया ही नहीं है तो जब बहुत ज्यादा कैपेसिटी आती है तो झगड़ा हो जाता है जब छोटी छोटी कैपेसिटीज होती हैं तो वो आपस में मैनेज हो जाती हैं बस ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइस वॉर नहीं हुई है फिर अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो प्राइस वॉर का ताल्लुक इकोनॉमिक स्लो डाउन से भी आप जो है ना थोड़ा डीकपल कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखें कि दो के क्रैश में क्या हुआ था तो दो के क्रैश में सीमेंट स्टॉक्स नीचे नहीं आए थे सीमेंट स्टॉक्स दो में नई कैपेसिटीज ऑनलाइन आने के बाद नीचे आना शुरू हो चुके थे 2017 में हमें लग रहा है कि वो दोनों चीजें एक साथ हुई हैं लेकिन हुआ यह है कि 2017 में भी फेबर मार्च में जब पहला चिराट का प्लांट ऑनलाइन आया था उस वक्त सीमेंट प्राइसेस नीचे आना शुरू हो चुकी थी और सीमेंट स्टॉक्स पर प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका था क्रैश तो जुलाई के बाद स्टार्ट हुआ है तो सीमेंट कंपनीज के स्टॉक्स का ज्यादा ताल्लुक भी इसी से है कि किस वक्त कैपेसिटी ऑनलाइन हुई और किस वक्त झगड़ा हुआ प्राइस वॉर का जनरली ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी ऑनलाइन आने से पहले रहा है आगे कुछ अगर नया हो जाता है तो कुछ कह नहीं सकते बट हिस्टोरिकली ये हुआ है यूसुफ भाई uh, अगर रेजिलियंस की बात करें तो इस सेक्टर में से आपके ख्याल में कौन सी कंपनीज हैं जो के प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद फेयरली बेटर उन्होंने दे हैव कम आउट फेयरली बेटर मे बी वाइल Uh, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं उनके पेर, के साथ तो कौन सी ऐसी दो चार कंपनीज है एक बड़ा, एक, एक सेक्टर में, अगर हम प्रीवियस को देखें तो इस दफा हुआ ये साउथ में कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है साउथ में प्लेयर्स भी बढ़ गए हैं साउथ में पावर सीमेंट भी जो है वो एक मेजर प्लेयर बन गया है और डीजी खान भी एक मेजर प्लेयर बन गया है अटक ने भी कैपेसिटी बढ़ा दी है और लकी ने भी पहले कैपेसिटी बढ़ा रही थी तो साउथ में बहुत ज्यादा कैपेसिटी ऑनलाइन आ गई और वो कैपेसिटी ऑनलाइन इस एक्सपेक्टेशन में आई थी कि गवादर में बहुत ज्यादा काम होगा और दैट नेवर हैपन तो इस दफा हुआ यह है कि साउथ में बहुत ज्यादा कैपेसिटी लगी हुई है लेकिन साउथ में डिमांड नहीं है और साउथ में एक्सपोर्ट में भी मार्जिनस नहीं तो नॉर्थ जोन की कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ इवेट द मार्जिन ऑन अ पर टन बेसिस क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा बड़ा परसेंटेज जो है वो लोकल सेल्स में चला जाता है राधर देन एक्सपोर्ट तो नॉर्थ जोन की कंपनीज आर परफॉर्मिंग फेयरली बेटर अच्छा फिर दूसरी बात आपकी रेजिलियंस की रह गई तो देखें पाकिस्तान में जनरली अभी तक यही हुआ है कि कोई भी कंपनी बहुत मुश्किल होता है कि कोई कंपनी बंद हो जाए इन कंपनीज के मार्जिन बहुत अच्छे रहे हैं पूरा टाइम और वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि प्राइसिंग का एक डिसिप्लिन रहा है आ, तो ये कंपनीज जनरली डेट भी उतार लेंगी और ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म भी कर लेंगी और नॉर्थ जोन मेरा ख्याल है कि साउथ जोन से बेहतर परफॉर्म करेगा ओवर द नेक्स्ट टू तो इयर्स तो सही और और दूसरा, दूसरा 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 देखें देखें सॉरी एक चीज है कि इसके अंदर यह है कि जितना नया प्लांट होता है उतनी कॉस्ट कम होती है तो अगर आपका तीस चालीस साल पुराना प्लांट है जैसे फेक्टो है तो फैक्टो के लिए पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा या फ्लाइंग सीमेंट का प्लांट पुराना है तो पैसे बनाना मुश्किल होगा जिनके नए प्लांट्स हैं जैसे मेपल का प्लांट मेपल ने एक नया प्लांट लगाया हुआ है पाइनियर का प्लांट नया है तो ये वो कंपनीज है दैट शुड डू फेयरली बेटर क्योंकि इनकी थो, इनकी थोड़ी थोड़ी कॉस्ट भी कम होगी और प्लांट्स भी नए हैं बट जनरली ओवरऑल ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस प्राइस पे मिल रही है आप स्पॉन्सर से कितने कंफर्टेबल हैं और दूसरा थोड़ा डेट बर्डन भी देखना चाहिए सही अगर मैं आ, इनको वैल्यूएट करता हूँ या जो हमारे लिसनर हैं उनको अगर आप एडवाइस क्राइटेरिया या इंडिकेटर यूज करते हैं इन स्टॉक्स को जनरली वैल्यूएट करने के लिए मैं दो चीजें देख रहा होता हूँ मैं देख रहा होता हूँ कि इंटरप्राइस वैल्यू पर टन क्या है और मार्केट कैप पर टन क्या है कि अगर मैं आज पूरी कंपनी खरीदने जाऊं तो डेट और इक्विटी मिला के मुझे एक टन कैपेसिटी कितने की मिल रही है और ये मैं ये वाला मेट्रिक मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग कंपनी की दो अलग अलग कैपेसिटीज हो सकती हैं अगर मुझे एक चार मिलियन टन के प्लांट की कैपेसिटी को एक दो मिलियन टन की कैपेसिटी के प्लांट के साथ कंपेयर करना है तो मैं करूंगा ये कि मैं उसको ऑन अ पर टन बेसिस ब्रेक डाउन कर दूंगा तो मैं ये देखूंगा कि कौन सी कंपनी मुझे Uh, सस्ती मिल रही है ऑन अ पर टन बेसिस और uh, उनको ऑन अ पर टन बेसिस देखते हुए मैं ये नहीं देखूंगा कि ईबीडी पर टन सिमिलर किन कंपनी यो सब भाई आई कैन't हेयर यू सर आप क्लियर है जी अभी आई वास जी जी तो uh, तो देखें सिमिलर similar... सब भाई करें। आ जी तो देखे तो पंद्रह पर टन से ट्रेड करना स्टार्ट है, पर टन चला है तो जो मुझे मेट्रिक पसंद है जनरली वो एंटरप्राइज वैल्यू पर टन देखना है और वो ओवर पीरियड ऑफ टेन ट्वेंटी है तो आप डाउन साइकिल में इसको पोर्टफोलियो में आप पोजिशन बड़ी करते हैं और आप साइकिल में आप कम करते जाते हैं सही यूसुफ़ भाई अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ, को इसके साथ अगर लिंक करें तो ऑफ़ कोर्स एक तो ये है कि जब वो डेवलपमेंट बजट आ, रिलीज करते हैं इलेक्शन ईयर होता है तो सीमेंट सेक्टर्स रिलेटिवली परफॉर्म बेटर इसके अलावा कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज इस सेक्टर को अफेक्ट करती हूँ देखें पॉलिसीज़ अफेक्ट करती हैं लेकिन वो इसी तरह की होती हैं कि एफ आपने बढ़ा दिया ज्यादातर चीज़ें जो सीमेंट सेक्टर के साथ अगर पॉलिसी वाइज होती हैं तो वो सेक्टर जनरली कस्टमर्स को पास ऑन कर देता है तो देर इज नॉट मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू इन टर्म्स ऑफ हर्टिंग द सेक्टर पॉलिसी लाके अगर आप कोई टैक्स लगाते हैं तो सीमेंट कंपनीज वो टैक्स पास ऑन कर देती हैं कस्टमर पे और मार्जिन एडजस्ट कर लेती हैं अपने और दूसरा देखें अब मेरा नहीं ख्याल है कि ओवर द नेक्स्ट टेन ईयर्स को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो सकेगी और गवर्नमेंट को बहुत कंट्रोल चलना पड़ेगा पाकिस्तान में तो जितनी डिमांड जनरली आएगी वो प्राइवेट सेक्टर से ही आएगी सही सही अच्छा गोइंग फॉरवर्ड आप क्या एडवाइस करेंगे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन सीमेंट स्टॉक्स जैसे आपने भी कहा है कि एटलीस्ट सीमेंट का एक स्टॉक तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए एंड एंड आपकी एक दो कौन सी गुड और बेस्ट बेट्स होंगी तो देखिए हमारी बेट्स होंगी कि स्टॉक लिक्विड हो और स्टॉक सस्ता हो तो दो तीन कंपनीज जो हम प्रेफर करते हैं उनमें एक कोहार्ट सीमेंट है एक पाइनियर सीमेंट है और एक मेबर लीफ सीमेंट है यही देखना चाहिए कि इंटरप्राइज वैल्यू पर टन पे ये तीन कंपनीज बहुत सस्ती हैं कोहार्ट के पास तो नेट कैश रखा हुआ है तो जो है हमारी रिकमेंडेशन यही जनरली होती है कि जो इंटरप्राइज वैल्यू पर टन पे नीचे ट्रेड कर रही हूँ और जो रिलेटिवली रिलेटिव प्लांट्स हो उनको पोर्टफोलियो में एक स्पेस बनती है उन लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं सही अच्छा आपकी रिपोर्ट में लकी को आपने डिस्कस नहीं किया था व्हाई बिकॉज़ यू थिंक दैट इज अ होल्डिंग कंपनी नाउ देखें एक तो लकी इज अ होल्डिंग कंपनी तो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी एंटरप्राइज वैल्यू पर टन को किसी और के साथ तो जो है वो मुश्किल हो जाता है एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेरिजन करना मतलब आप मेपल को पाइनियर से कंपेयर कर सकते हैं लेकिन आप डीजी को भी उसमें डालते हैं तो डीजी का भी एक पोर्टफोलियो है बेस्टवे को डालते हैं तो बेस्टवे की भी एक बहुत बड़ी दूसरी होल्डिंग है तो, तो कोशिश रिपोर्ट में यही की थी कि सीमेंट कंपनी प्योर सीमेंट कंपनीज को प्योर सीमेंट कंपनीज के साथ कंपेयर किया जाए लकी इज अ ग्रेट कंपनी बट वो अब सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है वो पावर कंपनी भी है और वो ऑटो कंपनी भी है और वो टेलीफोन सेलफोन कंपनी भी है

देखिए डिपेंड करता है कि कोई अपने पोर्टफोलियो से क्या चाह रहा है चाहे अगर, 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 अगर आप अगर आप एक लेट्स अगर 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 आप 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 एक एक प्योर सीमेंट देखें मेरी अपनी प्रेफरेंस होती है लेकिन मैं खुद क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस में हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं खुद कैपिटल एलोकेट करूं और अगर मुझे एक पावर कंपनी में एक्सपोजर चाहिए तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे वो पावर कंपनी में एक्सपोजर चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि लकी सीमेंट की मैनेजमेंट डिसाइड करे कि जो पैसे बने वो किधर लगे तो लकी इज अ ग्रेट बेट बिकॉज लकी का ग्रुप हैज बीन ग्रेट कैपिटल हैज बीन ग्रेट एट एलोकेटिंग कैपिटल तो मैं चाहूंगा कि मैं सीमेंट बेट भी खुद लूँ खुद डिसाइड करूँ क्या कितनी सीमेंट बेट लेनी है और खुद डिसाइड करूँ कितना पावर में इन्वेस्ट करना है खुद डिसाइड करूँ कितना ऑटो में इन्वेस्ट करना है बट अगर कोई लकी के ग्रुप पे बैट करना चाहता है और सारी कंपनी से बेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली लकी सीमेंट खरीद सकता है लकी सीमेंट में एक जो चीज है वो ये है कि लकी की कैपेसिटी का एक बड़ा पार्ट साउथ में है जिसमें वही इशू है जो जो मैंने आप जो अभी पहले हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि साउथ में मार्जिन उस तरह के नहीं रहेंगे जिस तरह नॉर्थ में रहेंगे क्योंकि साउथ में कैपेसिटी बहुत ज्यादा आ गई है तो एक वो डिसएडवांटेज छोटा सा है दूसरा देखें अभी एक टेम्परे ही इशू है पावर्स पावर सेक्टर में पेमेंट्स ना रिसीव होने का एक बहुत बड़ा रिस्क है फिर ऑटोज़ में एक एलसीज़ uh, ना खोलने का रिस्क है तो इवन दो ये चीजें रिजॉल्व हो जैसे-जैसे ये चीजें रिजॉल्व होती जाएंगी जाएंगी तो लकी में और मोमेंटम मत जाएगा इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म बेट सही सही और मेरा ख्याल है जो मेरे जैसे लोग हैं वो एक सेक्टर को या एक कंपनी को इतना नहीं एनालाइज कर सकते आई थिंक दे कैन गो फॉर द होल्डिंग थोड़ा सा आउट हो जाएगा अगर uh, से से मार पड़ रही है तो पावर से उनको कुछ जी मिल जाए इस तरह जी जी देखें दूसरी एक और चीज ये भी है कि अगर किसी को -कुछ सीमेंट सेक्टर में कोई बेट लेनी भी हो तो उसको इन सीमेंट भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद होगे फौजी सीमेंट का कुछ साल पहले एक साइलो गिर गया था

थोड़ी अनकम्पेरिटिव हो गई हैं एक ये चीज हुई है दूसरा देखिए सीमेंट के अगर हम सेक्टर के क्योंकि हम स्टॉक्स देखने के लिए एनालाइज कर रहे हैं तो मार्जिन जो एक्सपोर्ट साइड पे होते हैं वो जनरली बहुत अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि सारे बल्कि प्रोडक्ट है जिसको डिस्पैच करना होता है तो मार्जिन बहुत अच्छे नहीं होते पाकिस्तान की जनरली एक्सपोर्ट रही है अफ्रीका और श्रीलंका साइड पे एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ज्यादा रही है जो जिसमें यही हुआ है कि श्रीलंका भी अभी स्लो डाउन हो गया है और अफ्रीका भी जो है वो काफ़ी स्लो है तो एक्सपोर्ट्स जो है वो स्लो ही रही हैं और एटलीस्ट इस साल तो बहुत स्पीड से पिकअप करती हुई नहीं लगती अगर रिचर्ड्स भी नीचे आ जाता है और कोल सस्ता मिलना शुरू हो जाता है पाकिस्तानी कंपनीज को और थोड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी होती है तो बढ़ सकती है बट जनरली मार्जिन काफ़ी कम होते हैं वैन कंपेयर टू लोकल सेल्स क्योंकि बल्कि आइटम है और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी पैसे लग जाते हैं

मौजम अनम्यूट हाफि साहब प्लीज गो एड अलैक्म खजर भाई सरमाया बहुत बहुत शुक्रिया सर एक दफ़ा फिर और यूसुफ भाई आपको भी बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मेरा सवाल जो है यूसुफ भाई डी के से, जिस से के हवाले से जिससे कि सर भी आप बता देते हैं डी जी जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है दो शिपमेंट उनकी जा चुकी है तो मैं अगर अपने पोर्टफोलियो में सीमेंट सेक्टर को डाइवर्सिफाई uh, करता हूँ जैसे भी आपने बताया को और मेबल के साथ तो के सी uh, कितने परसेंटेज आप प्रेफर करेंगे कि मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में रखूँ एक फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू देखें सर एग्जैक्टली exactly तो मैं पोर्टफोलियो की एग्जैक्ट रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता मुझे ना आपका पोर्टफोलियो का गोल पता है ना आपका एक्सपीरियंस पता है तो देखें हमारी प्रेफरेंस है एक और वो ये है कि नॉर्थ जोन में रहा जाए डीजी में ये है कि डीजी का नॉर्थ जोन में एक्सपोजर भी है और साउथ जोन में एक्सपोजर भी है हमें लगता है कि ओवर द नेक्स्ट फोर फाइव इयर्स क्योंकि नॉर्थ जो जो प्योरली नॉर्थ जोन में कंपनी होगी उसका रिटर्न थोड़ा बेहतर हो सकता है ठीक है एक्सपोर्ट के हवाले से सर डीजी के सी जो अभी उनकी दो शिपमेंट जा चुकी है उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप देखें जिस वक्त आपके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है किसी भी बिजनेस में तो आप कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी छोटा सा मार्जिन मिले आप वो एक्सेस कैपेसिटी यूज करें और फिक्स को ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स में सेव करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अर्निंग इम्पैक्ट होगा उसका जो एक्सपोर्ट का है एक्सपोर्ट में वैसे ही थोड़े से थिन मार्जिन होते हैं बेहतर वही कंपनीज रहती है जो लोकली बेचती है क्योंकि वो हर टन पे ज्यादा पैसे कमा लेती हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू सर मोहम्मद ताहा साहब सहा कैन यू स्पीक अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन है एफसीसीएल के हवाले से कि अगर एफसीसीएल को देखें तो उसने रिसेंटली अपनी एक्सपेंशन भी किया और एक प्लांट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रस्पेक्टिव से कि अगर आपने फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिहाज से एफ सी सी एल कैसा रहेगा और सेकेंडली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जिस तरह सीमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपनीज ने एक्सपेंशन की है जैसा कि आपने खुद भी फरमाया तो क्या फ्यूचर में जितनी एक्सपेंशन की गई हैं क्या इनकी जो कैपेसिटी है वो उस तरह Uh, मतलब वो कन्वर्ट uh, कर सकेंगे दो की फॉर्म में, या, 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 तो में पाकिस्तान में सीमेंट डिमांड थी कोई 10 मिलियन टन अब पाकिस्तान में सीमेंट डिमांड है कोई 40 मिलियन टन अब अगर कोई हमें कहेगा कि क्या यहाँ से 40 मिलियन टन से डिमांड यहाँ से 20 साल में 160 मिलियन टन हो जाएगी तो मेरा उसके लिए जवाब होगा कि भाई बहुत मुश्किल है कैसा हो तो देखें ये जो कैपेसिटीज लग गई हैं मुझे नहीं लगता कि अब एक और बहुत बड़ी एक्सपेंशन साइकिल स्टार्ट होगी एनी टाइम सून मुझे नहीं लगता अगले पाँच सात साल में भी कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन साइकिल आ सकेगा उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे उसका एक मेजर एडवांटेज ये होगा कि कंपनी uh, जो है वो शायद रेगुलरली पैसे बनाती रह सकें फिर आप नोटिस करें तो हर पाँच सात हर हर दस साल में ये कंपनीज दोबारा एक्सपैंड करने के लिए आ जाती हैं अगर अगर ये कंपनीज एक्सपैंड करने के लिए ना आए तो ये एक तो जो कैश होगा उससे कंपनीज या दूसरी कंपनीज को अक्वायर करेंगी आ, या कंपनीज डिविडेंड पे आउट करेंगी तो मेरा ख्याल ये है कि कंपेयर टू द लास्ट थर्टी इयर्स इन द नेक्स्ट थर्टी इयर्स सीमेंट कंपनीज रिलेटिवली ज्यादा डिविडेंड्स पे करेंगी या दूसरे वेंचर्स में जाएंगी जैसे लगी है तो कैपेसिटी पे तो देखें ये जवाब है कि मुझे लगता है कि अब उस तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी ओवर द नेक्स्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स जिस तरीके से पिछले बीस तीस साल में पाकिस्तान में कैपेसिटी इंक्रीज हुई है लेकिन उसकी वजह से क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो यार डिविडेंस इंक्रीज हो जाएंगे या शेयर बाय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने देखा होगा मेपल का भी बाय आया कोहाट का भी बाय आया लखी का भी बाय आया तो ये कंपनीज या अपने शेयर्स वापस खरीद के इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करेंगी या डिविडेंड्स देंगी जहां तक आपका फौजी वाला सवाल है देखें फौजी भी नॉर्थ जोन में है फौजी भी अभी पूरे सेक्टर में कोई भी कंपनी फ्रॉम अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव बहुत ज्यादा महंगी नहीं है uh, हमारी रिकमेंडेशन जनरली होती है कि आप एक बूके बना के विद इन द स्पेस भी डाइवर्सिफाई करने का जब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके अंदर भी अच्छी कंपनीज में डाइवर्सिफाइड रहें uh, और दीज आर गुड बेट्स टू हैव बट जनरली जिस वक्त ये कंपनीज बहुत ऊपर ट्रेड कर रही हूँ जैसे जितने का नया प्लांट लगता है उससे ऊपर ट्रेड कर रही हूँ तो उस वक्त निकला भी जा सकता है बाहर बट मुझे अगर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होती भी नहीं लगती जिसकी वजह से मुझे कोई बहुत बड़ी प्राइस वॉर होते हुए भी, भी नहीं लगती ओवर द नेक्स्ट फाइव सेवन इयर्स मोहम्मद ताहा जी सर थैंक यू सर भाई म्यूट हो गए आप अनम्यूट करें शेख साहब जी अलैक्म वाले फॉर अ वेरी नाइस सेशन Uh, मेरा क्वेश्चन जो है वो बेस्ट वे सीमेंट के हवाले से है कि अगर इसका डिविडेंड और इसकी अगर अगर इसको होल्ड करें तो ये कि ये किस तरह का स्टॉक है कि आपको लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं आ, देखें बेस्ट वे भी नॉर्थ जोन में है क्यों और क्योंकि इन है तो मेरा बहुत ज्यादा डिटेल में देखा हुआ नहीं है लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरी कंपनी से तो, तो दूसरी नॉर्थ जोन की कंपनी से शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इन भी है आ, बट जीनॉट जोन में ही है डायनामिक्स बाकी सब की तरह ही काम करते हैं और बड़ा प्लेयर है बट मेरा बहुत डिटेल में देखा नहीं है तो मैं कमेंट करूंगा नहीं यूसुफ भाई एक क्वेश्चन है नबील खान साहब ने पूछा है कि इफ यू हैव टू पिक ओनली वन स्टॉक फ्रॉम कोहाट मेपल लीफ पाइनियर देन व्हाट विल बी योर चॉइस मेरी पिक होगी मेपल लीफ ओके okay. और उसकी वजह जो है वो उसकी वजह कंपनी की क्वालिटी नहीं है आ, उसकी वजह स्टॉक की लिक्विडिटी है अगर मुझे आप बोलेंगे कि एक स्टॉक जिसमें हाईएस्ट अपसाइड लगती है तो वो पाइनियर सीमेंट है लेकिन उसमें डेट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है बट इफ यू प्रोबेबली पिक मेपल भाई प्लीज गो आदिल जी अस्सलाम वालेकुम आ रही है जी जी वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई गो अहेड प्लीज म्यूट है आप आज लगता सबका ध्यान मैच की तरफ भी है आधा है। है, इधर <laughs> मेमन साहब जी इरफान साहब रेस्क्यू कर रहे हैं हमें जी इरफान भाई अनम्यूट कर लें। साहब। बड़ा माचला सेशन था और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है इसमें। तो इसमें मेरे बस एक दो थोड़ा सा मुझे चीजें थोड़ी सी उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी एक तो ये जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं डिप्लीट हो रहे हैं तो दूसरा ये इन्फ्लेशन जो काफी बढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ी है तो इसका ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री पे हम क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्टन कंपनीज लाइक पी उसमें एज पर माई नॉलेज कुछ रीपेमेंट ऑफ लोन्स हुई हैं तो उस रीपेमेंट ऑफ लोन के बावजूद इनकी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा क्यों बढ़ी है इसमें दो क्वेश्चन देखिए मुल्क के हालात से जो मेजर इंपैक्ट इन सीमेंट कंपनीज के ऊपर आया है वो जैसे आपने एक तो कहा कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि अगर आप पिछले महीनों में देखें तो 15 परसेंट से इंटरेस्ट रेट 21 परसेंट हो गया तो नेक्स्ट क्वार्टर आप एक्सपेक्ट करेंगे और ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट आएगी तो एक तो ये इम्पैक्ट है दूसरा डिमांड साइड पे इम्पैक्ट है लेकिन उसको काउंटर करने के लिए ये कंपनीज पिछले चार से छह क्वार्टर से कर रही हैं कि और तीसरा एक और भी प्रॉब्लम था इन कंपनीज में वो ये था कि इनकी जो इनपुट की कॉस्ट है कोयले की और बिजली की वो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी तो ये सारी चीजें हो रही थी और उसके बावजूद जो है इन्होंने कुछ करके प्राइसेस बढ़ा बढ़ा के और मार्जिन को मैंटेन किया है तो देखिये मुल्क के हालात से हर चीज पे ही फर्क पड़ा है और मेजरली अगर सीमेंट स्पेसिफिक बात करें तो डिमांड पे फर्क पड़ा है और आउटलुक पे भी डिमांड और इंटरेस्ट रेट्स पर फर्क पड़ा है तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है और डिमांड कम हो गई है और उसको कुछ हद तक इन्होंने कवर कर लिया बाय इंक्रीजिंग प्राइसेस I hope ये ये uh, जवाब होगा आपकी। sure, मेरा है। question था कि कुछ loan repay, प, प, पी है से, पे ने रीपे किया है तो जी जी। uh, loan है। से, किया तो जो लोन रीपे हुआ है वो अमाउंट छोटी है और जो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स है वो ज्यादा है। और देखें ये कंपनीज रेगुलरली हर क्वार्टर चाहे इनकी लॉन्ग टर्म रिपेमेंट लॉन्ग टर्म किसी लोन की रीपेमेंट हो या ना हो ये शॉर्ट टर्म तो जितना कैश आ रहा होता है वो रीपेमेंट करते ही जा रहे होते हैं तो हुआ यही है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा स्पीड से बढ़े हैं और जो टोटल डेट है वो कम स्पीड से कम हो रहा है इसलिए आपको नजर आ रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है नेक्स्ट क्वार्टर मोस्ट लाइकली और ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये जो हम अफगानिस्तान वगैरह से इम्पोर्ट हैं तो इसका कोई फॉरन एक्सचेंज से या इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से कोई ताल्लुक है या ये इनफॉर्मल हो रहा है सारा देखें ये इनफॉर्मल ही हो रहा है और पाक रुपीज में ये कंपनीज पेमेंट कर रही हैं और इससे काफी फायदा भी हुआ है क्योंकि जो है वो क्योंकि ये कोयला एक बीच में एक लंबे पीरियड के लिए रिचर्ड कोल से सस्ता था तो कंपनीज को फायदा हुआ है और ये जनरली इनफॉर्मल चैनल से ही आ रहा है और ये डायरेक्ट आप इम्पोर्ट के नंबर में देखेंगे पाकिस्तान के तो उसमें आपको नजर नहीं आएगा थैंक यू थैंक यू कैन यू स्पीक नाउ अनम्यूटर सेल अस्सलाम वालेकुम अच्छा ये भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि डीजी से रिलेटेड क्वेश्चन था एक तो ये कि सीमेंट की जो मतलब लाइफ स्पैन कहते हैं कि एक क्वालिटी जो सीमेंट की लाइफ स्पैन होता है तो वो होता है पच्चीस से तीस दिन तकरीबन और जो उसकी एक्सपायरेशन होती है तकरीबन नाइन्टी डेज की ना तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो डीजी जिसने एक्सपोर्ट करा है सीमेंट उनका था कि कराची से ट्रांसपोर्टेशन फोर्टी फोर्टी एट डेज तो एक तो ये कि वो एक क्वालिटी कैसे मतलब मेंटेन करके रखेंगे दूसरा ये कि इनको एक ये नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि इनकी जो कराची से ह्यूस्टन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ रही है टू यू टू पाकिस्तान तो इस चीज को ये मतलब कैसे टैकल करेंगे और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं डी का देखे डीजे हमने पहले भी डिस्कस किया देखें साउथ में प्लांट्स में यही हो रहा है कि अगर आपको कहीं पे एक डॉलर भी पर टन बनता हुआ लग रहा है ना तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हो क्योंकि आपके पास कैपेसिटी रखी हुई है जनरली अगर आप देखेंगे कंपनीज की तो जब वो एक्सपोर्ट करती हैं तो वो क्लिंकर एक्सपोर्ट करती हैं और वहां पर जाके ग्राइंड होता है और आ, वो हो जाता है मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक्जैक्टली exactly, स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल यही है कि आप टाइप जब चेंज करते हो तो आप थोड़ी सी लाइफ बढ़ा सकते हो बट मैं चेक करके किसी वक्त ट्वीट कर दूंगा इस बात को अच्छा सवाल है आपका इनकी जो जो रिपोर्ट आई है ना ना लेटेस्ट फाइनेंशियल उसमें इन्होंने एक, सीमेंट एक्सपोर्ट भी लिखा भी है तो दोनों उसमें टाइप हो सकता है? मैं से चेक करके इसको ट्वीट कर दूंगा नहीं बैग बैग है बिल्कुल सीमेंट के बैग्स भी एक्सपोर्ट किए हैं जी जी तो मैं एग्जैक्ट कंपनी से आपकी चीज चेक करके और फिर ट्वीट कर दूंगा तो आपका जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा बट वो ठीक वही है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेरी प्रेफरेंस है कि हम के इंसान नॉर्थ जोन में रहे और अगर किसी कंपनी का बहुत ज्यादा एक्सपोजर साउथ जोन में है तो उसको तो मतलब रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंस दे इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट यू वुड वांट टू ऐड टू द पोर्टफोलियो ठीक आदिल भाई जी अस्सलाम वालेकुम जी वास्म मेरा क्वेश्चन अगेन साउथ के हवाले से ही है दो तीन मेरे क्वेश्चन छोटे छोटे एक तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जो एक्सपोर्ट डिमांड वो बढ़ सकती है जिस तरह पहले डिमांड बढ़ती थी, थी तो साउथ प्लेयर उसमें अपना सेंड करते थे तो एक तो ये क्वेश्चन है दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि कुछ सीमेंट कंपनीज हैं जैसे लकी हो गई और हो गई जो ग्रो कर रही थी प्रोजेक्ट्स थे और uh, डिविडेंड नहीं दे रही थी अब क्योंकि आगे लग रहा है कि प्रोजेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं बाई की हो रहा है तो आप क्या समझते हैं है लकी शुरू करेंगी नहीं करेंगी दूसरा क्वेश्चन ये है तीसरा मेरा क्वेश्चन ये सीमेंट प्राइस के आप क्या समझते हैं स्टेबल रहेंगे इस तो पर आगे बढ़ सकते हैं या और नीचे आ सकते हैं तो इसको जरा बताइएगा सर एक सवाल तो था आपका डिविडेंड का uh, तो देखें मेरे हिसाब से तो डिविडेंड हाय बायक हो दैट इज कैश बींग रिटर्न टू द शेयर होल्डर तो जिस वक्त अगर स्टॉक प्राइसिस इतना ही नीचे रहेंगी सीमेंट की तो मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज को बैक करते रहना चाहिए देन पेइंग आउट डिविडेंड्स क्योंकि आप एक रुपिया बाई बाई, आप आप जो है आप भार देते हो उसकी जगह आपको अगर पच्चीस पैसे में अपना ही प्लांट खरीदने को मिल रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप पच्चीस पैसे में अपना प्लांट खरीद लो रा देन एक रुपया स्पॉन्सर को पे करने के तो मेरा ख्याल यही है कि पे आउट ओवर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स पिछले बीस साल से ज्यादा रहेंगे अगले बीस साल में क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स तो आते हुए नहीं लग रहे दूसरा आपका क्या सवाल था जी मैं दूसरा से पूछता हूँ मेरा इसी में एक क्वेश्चन है कि अगर मिस डिविडेंड भी नहीं देंगे और अपने शेयर पे आउट अगर परचेज करते रहेंगे फॉर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लकी लकी क्या कर रहा है उसकी सौ रुपए आ रही है ईपीएस आ रही है और वो अपना ही बाय कर रहा है तो तो फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी मेरे हिसाब से अगर कहीं और भी नहीं लगा रहा है, एक है ठीक है सर दूसरा ये क्वेश्चन जो मैं पूछा था एक्सपोर्ट के हवाले से आया फ्यूचर में आप देख रहे हैं कोई हमारे सराउंडिंग कंट्रीज से डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्ट की लाइक श्रीलंका like अगर हो जाता है देखिए श्रीलंका अगर नहीं देखिए श्रीलंका अगर सेटल हो जाता है तो डिमांड जो है वो वापस आनी शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि वो एक कैप्टिव मार्केट थी जो यहाँ के प्लेयर्स कर रहे थे और वो मार्केट काफी जो है वो छोटी हो गई है अब तो वहाँ पे जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे तो एक्सपोर्ट तो थोड़ी बढ़ जाएगी साउथ से बट देखिये बात वही है कि क्योंकि ये बल्कि आइटम है और ट्रांसपोर्ट करना

के ए, ए, प्राइस के हवाले से मेरा ख्याल है कंपनीज मेंटेन करने की कोशिश करेंगी अगर डिस्पैचेस गिरेंगे तो भी प्राइस बढ़ जाएगी कोयला बढ़ेगा तो भी प्राइस बढ़ जाएगी तो असल तो हमें चीज देखना है कि मार्जिन के साथ क्या होता है तो मेरा ख्याल यही है कि मार्जिन या स्टेबल रहेंगे या कंपनीज मार्जिन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगी कंपनीज मार्जिन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगी बस जी जी ठीक है सर थैंक यू थैंक यू मेरा क्वेश्चन सर ये मैं इरफान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से किन सीमेंट कंपनी पे फर्क पड़ता है लाइक like मैंने के सीमेंट सेक्टर के सुना था।, था कि डीजी के या कुछ कंपनीज का जो प्लांट है वो अमेरिकन बेस्ड प्लांट है जो सिर्फ रिचर्ड बेकॉल से जो है रन होता है तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो जिनको इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से फर्क पड़ता है जो कि लोकल सीमेंट आई मीन लोकल कोयला या अफगान कोयला नहीं यूज कर सकते देखें एक सीमेंट सेक्टर को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है आ, ये इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से और एक इनडायरेक्ट है तो जो इनडायरेक्ट है वो ये है कि देखें सरिया नहीं आ पा रहा सही से तो एक वो इम्पैक्ट है फिर जो जो पॉलीप्रोपिलीन का बैग होता है जिसमें ये सीमेंट बिकती है वो नहीं आ पा रहा है तो वो एक इशू है शॉर्ट टर्म डायरेक्ट इंपैक्ट इस वक्त अब सबको आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि रिचर्ड्स वे से कोल अगर फ्रीली आना शुरू होगा तो अफगान कोल की प्राइस भी गिर जाएगी तो अभी अफगान कोल की प्राइस भी जो है उस पर थोड़ा अपवर्ड प्रेशर है क्योंकि रिचर्ड्स वे से नहीं आ पा रहा है तो इस वक्त तो सब इम्पैक्ट हो रहे हैं फिर किसी का भी कोई पार्ट वगैरह में इशू हो जाए या प्लांट के किसी हिस्से में इशू हो जाए तो सबको ही इशूज आ रहे हैं इस वक्त बट वो इतने बड़े इशूज नहीं है कि वो को बहुत बड़े अर्निंग्स इम्पैक्ट डालें बट हाँ अगर रिजर, अगर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटेंगी तो कुछ कॉस्ट और कम हो जाएगी सीमेंट प्लेयर्स की क्योंकि कोल आएगा और मेरे ख्याल से उसकी वजह से अफगान कोल पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और वो और कॉस्ट थोड़ी कम हो सकती है um, भाई मेरे करते हैं सेशन को अगर आप कुछ एंड uh, पे ऐड करना चाहें फॉर इन्वेस्टर्स मार्केट का अगर आप एक व्यू मार्केट दे दे, हाँ देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये स्टॉक्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनको एज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज़ करना चाहिए और जनरली स्टॉक पोर्टफोलियोज रिटायरमेंट के लिए बनाने चाहिए या कोई ख़र्चा आपको दस साल या बीस साल के बाद आना हो उसके लिए बनाने चाहिए तो उसी तरीके से इन कंपनीज को ट्रीट करना चाहिए डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए जितनी रिसर्च कोई एक फ़ोन ख़रीदने से पहले करता है कम से कम उतनी रिसर्च हर कंपनी जो पोर्टफोलियो में हो उसके ऊपर करनी चाहिए Uh, क्योंकि अगर कोई भी कोई फोन खरीदता है तो वो काफी रिसर्च करता है लेकिन कोई स्टॉक खरीदता है तो वो आपने कह दिया या मैंने कह दिया उसकी वजह से खरीद लेता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या ब्रोकर ने कह दिया या टिप दे दी उस पर कर लिया तो अगर कोई कोई कंपनी किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा है और हिस्सेदार बन रहा है तो उसको उस बिजनेस के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए अगर वो रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जिसकी मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग हो उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए और किसी पोर्टफोलियो मैनेजर पे छोड़ देना चाहिए लेकिन अगर आप खुद एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि रिसर्च की जाए आई थिंक ये इंपॉर्टेंट मुझे बात लगती है और दूसरा अगर कोई भी स्पेस में इन्वेस्ट करें तो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें उसमें और कोई भी सेक्टर जो है वो कोई बहुत बड़ी पोजिशन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना हो चीज की वो ना करें सही मैक्मम आप कितने समझते हैं कि स्टॉक्स होने चाहिए इन वन पोर्टफोलियो रिटेल्स वालों के लिए सर तो देखें ये भी डिपेंड करता है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और पोर्टफोलियो के गोल पे uh, मैंने एक टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ दो स्टॉक्स भी रखे हैं आई आई स्टार्टेड आउट एंड डिड फाइन विद स्टॉक्स आल्सो बट दस भी हो सकते हैं और बीस भी हो सकते हैं आप डिपेंड करता है कि आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं इन योर पोर्टफोलियो अगर आप बहुत ज्यादा वोटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बहुत कम स्टॉक्स भी रख सकते हैं अगर आप कम वॉलीडिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आपके पास ज्यादा स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में और आपका पोर्टफोलियो एसेट क्लासेस में भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए वो उसका बहुत ताल्लुक आपकी एज से है आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से है आपके पोर्टफोलियो के गोल से है तो कोई एक सिंपल जवाब जो है वो आपके सर सवाल का नहीं है बट सोच के करनी से चाहिए से चीज़ें और पढ़ के करनी चाहिए और लोगों से बात करके करनी चाहिए और रिसर्च जरूर करनी चाहिए कोई भी पोजिशन लेने से या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने से पहले से आ, फ्राज, प्लीज गो है मैं लेट ज्वाइनर हूँ तो मेरा क्वेश्चन शायद अगर रिपीट नहीं हुआ तो हमारा सीमेंट सेक्टर एक बहुत सेक्टर होता है तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि हम इस वक्त इस साइकिल के लो पे हैं हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए ले लेनी चाहिए जी बस ये मैं देखें फराज अगर बिल्कुल बॉटम और लो देखें तो बिल्कुल बॉटम और लो पर हम शायद नहीं है लेकिन हम हाई से बहुत ज्यादा दूर है तो अगर आप बैंड देखेंगे तो ये स्टॉक्स पांच से दस डॉलर पर टन से दो सौ डॉलर पर टन तक ट्रेड करते हैं और अभी ये स्टॉक समझ लें कोई पच्चीस तीस चालीस के बैंड में है सारे तो है हम, हम लोअर एंड पे और ये कंपनी पैसे कमा रही है तो ये वाली बात सही होगी कि हम अगर बैंड एक है जिसमें सीमेंट कंपनी साइकिल में, में ट्रेड करती है तो हम लोअर एंड के करीब लोअर एंड के ज़्यादा करीब हैं मेरा एक छोटा सा एक और स्लाइड क्वेश्चन है क्योंकि हम अगर देखें कुहाट सीमेंट चराट सीमेंट ये ऐसे सीमेंट हैं जो कि बहुत एफिशिएंट और लॉन्गर टर्म इन्होंने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया लॉन्गर टर्म टेन इयर्स में क्या ये मेरा एनालिसिस ठीक है या आप समझते हैं इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो हमें सीमेंट सेक्टर में देखनी चाहिए देखें सीमेंट सेक्टर में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स जो हैं वो उनका ज्यादा ताल्लुक रहा है कि आपने किस प्राइस पे खरीदा है देखें ये एक चीज है जो जब कोई स्पॉन्सर लगाने के लिए जाता है तो अस्सी से सौ डॉलर पर टन खर्च करता है और 13 से पंद्रह डॉलर वो ओवर द लॉन्ग टर्म कमाता है जिसमें स्पॉन्सर कभी एक डॉलर पर टन भी कमाता है और कभी बीस पच्चीस डॉलर पर टन भी कमाता है तो अब अगर एक चीज़ एवरेज पर पंद्रह डॉलर पर टन कमाती है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का रिटर्न ज्यादातर इस बात से डिराइव हुआ है कि आपने सस्ता खरीदा है या आपने महंगा खरीदा है अगर आपने ये कंपनी दो सौ डॉलर पर टन पर ख़रीद ली है और एवरेज रिटर्न जो है वो साल का जो कंपनी खुद जनरेट करती है वो पंद्रह डॉलर है तो यू विल नॉट डू वेल मतलब अगर आपने 2017 के टॉप पे स्टॉक्स खरीद लिए थे या आपने 2006 के टॉप पे स्टॉक्स खरीद लिए थे या आपने 96 में स्टॉक्स खरीद लिए थे यू हैव नॉट डन वेल बट अगर आपने साइकल के बॉटम पे स्टॉक्स खरीदे हैं कि जैसे अगर आपने अर्ली टू थाउजेंड में स्टॉक खरीदे हों या आपने दो हजार दस में स्टॉक्स खरीदे हों तो यू डन वेरी वेल तो असल चीज यही डिटरमिन करना है कि हम साइकिल के किस एंड पे हैं मेरे ख्याल से अगर हम लॉन्ग टर्म बैंड देखें तो उसके हिसाब से हम अभी नीचे हैं बहुत बड़ा ताल्लुक आगे के रिटर्न्स का इकोनॉमी से भी होगा डिमांड से भी होगा और प्राइस सीमेंट कंपनी प्राइसिंग कितनी मैनेज कर पाती है उससे भी होगा बट बट स्टॉक्स में मेजर जो डिटर्मिन जिस चीज ने किया है ना वो एक मेजर डिटर्मिनेंट क्योंकि ये बहुत सिंपल कंपनीज हैं बहुत सिंपल बिजनेसेस हैं और तो मेजर डिटरमिनेंट रहा है प्राइस तो अगर आपने सही प्राइस पे खरीदा है तो आपने वेल वेल लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म इफ यू यू द प्राइस डन अपनी बेहतर करते जाएं ताकि हम उसको प्राइस को यानी आउट करते जाएं। आपका ये आ, देखें मेरा ख्याल ये है कि बॉटम साइकिल के बॉटम पे स्टॉक्स खरीदने चाहिए

Uh, पसंद होते हैं रीजन uh, बीइंग के मुझे बजाय लगता है कि समझना उनका साइकिल आसान होता है तो मेरा ख्याल है सीमेंट देखना चाहिए देखें देखें ज्यादा स्टॉक uh, पिकिंग या 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 ज्यादा रिटर्न्स जो है वो उस वक्त बनते हैं जब आप कोई चीज डिस्ट्रेस में खरीदें और जब हालात सही हो जाए तो उनको बेच दें तो अगर आप दो तीन जगहें जहां पे डिस्ट्रेस है या या स्टॉक प्राइसेस में डिस्ट्रेस है इस इस सेक्टर के अलावा तो आप एक ऑटोज में आपको थोड़ा डिस्ट्रेस नजर आएगा तो वहां पे रिसर्च करनी चाहिए और उन कंपनीज को समझना चाहिए कि वो कैसे सही होंगी अः दूसरा देखें फार्मास्यूटिकल्स में काफी डिस्ट्रेस है और अभी कुछ प्राइसेस बढ़ाने की भी इजाजत दी गई है तो फार्मास्यूटिकल्स में भी इसीलिए डिस्ट्रेस है क्योंकि इन्फ्लेशन uh, हुई है और उनकी प्राइसेस जो है वो कॉस्ट बढ़ गई है और उनको प्राइसेस नहीं बढ़ाने दिए तो एक वो भी देखना चाहिए आप मेरा ख्याल है सेशन भी कर रहे हैं जी तो, जी अगले तो, फार्मा पे सेशन है। तो, तो 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 तो, देखें फार्मा में भी यही हो रहा है कि फार्मा बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में आया हुआ है क्योंकि कॉस्ट जो है उनकी डॉलर बढ़ने की वजह से उनकी मटीरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है और क्योंकि प्राइसेस रेगुलेटेड होती हैं और गवर्नमेंट बढ़ाने नहीं दे रही थी तो इन स्टॉक्स पे पिछले पूरे साल दो साल से प्रेशर है कि भाई कॉस्ट बढ़े जा रही है और प्राइस आपको बढ़ाने नहीं दे रहे जो सीमेंट में उल्टा है सीमेंट में कॉस्ट बढ़ रही है और वो प्राइस ही बढ़ाने दे रहे तो फार्मा में भी अब आगे जाके यही होगा कि जब प्राइस इंक्रीजेस अलाव हो गई हैं और हो जाएंगी और प्राइसिस एक्चुअली बढ़ जाएंगी तो मार्जिन वापस आ जाएंगे सेल्स वापस बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो वहां देखना चाहिए जहां पे डिस्ट्रेस ज्यादा है वहां पे देखना चाहिए बाकी देखें एक एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मार्केट का जहां पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्क है जैसे पावर सेक्टर और ऑयल सेक्टर बहुत स्टार सेक्टर्स रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मार्केट में और पुराने जितने प्लेयर्स हैं उनको यही सेक्टर्स बहुत पसंद है लेकिन मसला यही रहा है इनके अंदर कि क्योंकि ये सर्कुलर डेट में फंस गए तो एक बहुत बड़ा पोर्शन मार्केट का सर्कुलर डेट में फंस गया है तो अगर आप सेक्टर्स मुझसे पूछेंगे तो मैं मैं जनरली अवॉइड करूंगा जहां पे गवर्नमेंट का रिस्क हो जिसमें फार्मा भी इंक्लूडेड है बट फार्मा में ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि इशू को रिजॉल्व करें कंपनीज प्राइवेटली ओन्ड ओण्डें तो एक फार्मा में देख रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किन को प्राइस इंक्रीज से ज्यादा फायदा होगा और कौन से स्टॉक सस्ते हो गए फिर एक अप्लायंसेज दोनों अप्लायसेज कंपनीज जो लिस्टेड है उनमें डिस्ट्रेस है क्योंकि उनको एलसीज नहीं खोलने दी गई थी और एक ऑटो में डिस्ट्रेस है क्योंकि उनको भी एलसीज नहीं खोलने दी थी तो जिस वक्त ये एलसीज वाली सिचुएशन रिजोल्व होगी तो ये कुछ सेक्टर्स की अर्निंग्स वापस काफी बढ़ जाएंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव से जैसे अभी हम सीमेंट पे पूरा टाइम बात कर रहे थे तो आप अगर देखेंगे तो वो भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं अगर आप हिस्टोरिक उससे देखें फिर पूरी मार्केट ही देखें पूरी मार्केट ही चार टाइम तीन टाइम लर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है अगर आप श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो चुका है उसको भी देखेंगे तो वो मार्केट भी छह टाइम लर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है तो अभी मेरा कुछ दिन पहले ही एक और हेड ऑफ रिसर्च है उनसे डिस्कशन हो रहा था तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो एक बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पी इतना सस्ता होने की वो ये थी कि सबको लगता था कि बहुत ज्यादा कॉपरेट डिस, डिस्ट्रेस हो जाएगा और अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर जाएंगे अब अगर आप इस क्वार्टर की अर्निंग्स देखें तो आप पाकिस्तान केबल्स भी देखेंगे ना आप कहेंगे कि अर्निंग को तो कुछ हुआ नहीं जितना जितनी बात हो रही थी कि कंपनीज के, के पैसे बनना बंद बन हो जाएंगे तो देखिए पाकिस्तान में कंपनीज बहुत रेजिलियंट है बहुत प्राइसिंग पावर है और सब ने जो है वो सिचुएशन को कुछ ना कुछ करके संभाल लिया तो उतनी अर्निंग्स गिरी नहीं जितना सबको लग रहा था एक्चुअली अर्निंग्स बढ़ गई ओवरऑल पूरी मार्केट की तो उतना कॉपरेट डिस्ट्रेस है नहीं तो ओवरऑल भी ऐसा हो सकता है कि जो पी रेशो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का वापस आए और पी भी रीरेट हो जाए बस तो जरूरी ये है कि पॉलिटिकल हालात सही हो जाएं पॉलिटिकल हालात यूसुफ भाई संभाल तो शबाज शरीफ ने भी लिया एक साल निकाल लिया शायद आगे भी निकाल सर पता नहीं अच्छा, क्या संभाला यूसुफ भाई अगर मेरे पास सीमेंट का स्टॉक है अगर मैं लाइक लेट्स से ट्वेंटी ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन सीमेंट देखे स्टील में भी डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हैं आ, मेरा ख्याल है वो एक और पूरे सेशन की बात है लेकिन सीमेंट के डायनामिक्स जो है ना वो बहुत आसानी से समझे जा आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं सीमेंट में क्या हो रहा है आपको एग्जैक्टली exactly पता है कैपेसिटी कितनी है आपको एग्जैक्टली exactly पता है डिमांड कितनी है और आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि कंपनी लगती कितने की और मुझे कितने की मिल रही है स्टील में ना ये थोड़ा सा ज्यादा इससे रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं जिनकी वजह से वो उस तरह का प्राइसिंग डिसिप्लिन ना उस सेक्टर में शायद होना थोड़ा सा मुश्किल है सही ठीक है ठीक है थैंक यू वेरी मच यूसपाई सब यूर वेलकम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक यू आज वीकेंड भी है शायद मैच भी चल रहा है पाकिस्तान का तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का अगले हफ्ते मिलते हैं विद फार्मा सेक्टर और फार्मा के बाद मैंने लाइन अप भी किया हुआ है हमने एनर्जी चेन को डिस्कस करेंगे उसमें कवर कर लेंगे रिफाइनरीज या ओ वगैरह को भी थैंक यू वेरी मच इन्जॉय योर हाफिज़